डीटीएन के प्रसारण में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर चौधरी और आप देख रहे हैं डीटीवी न्यूज। खबर वही जो हो सही। समाचारों के इस प्रवाह में आगे बढ़ने से पहले देखते हैं खबरें फटाफट यानी कि शॉर्टकट। नामांकन भरने के अंतिम दिन कांग्रेस पक्ष ने उम्मीदवार के नाम पर चल रहे सस्पेंस को तोड़ा। बाबू भाई कटारा में दिखाया विश्वास, बाबू भाई कटारा ने भरा नामांकन। लोकसभा चुनाव से पूर्व सुखसर में जनसभा को संबोधित किया मुख्यमंत्री रूपाणी ने, कांग्रेस पर किए जमकर प्रहार। देसाईवाड़ की वृद्ध महिला के साथ अनजान महिला ने की धोखाधड़ी, आभूषण लेकर अनजान महिला हुई फरार। गरबाड़ा के नडेलाओं में एक बार फिर मचाया तेंदुए ने आतंक, एक ही दिन में 7 लोगों पर किए हमले, लोगों में छाई दहशत। दाहोद के 3 अलग अलग विस्तारों में एक ही दिन लगी आग से मची अफरा तफरी, कोई जानहानि नहीं। और सिंधी समाज द्वारा चेटीचंड पर्व को उत्सव के रूप में मनाया गया, निकाली गई शोभा यात्रा। समाचारों में सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक सुर्खियों की। नामांकन भरने की अंतिम तिथि तक कांग्रेस पक्ष ने उम्मीदवार के नाम पर रखा था सस्पेंस। अंतिम तिथि पर कांग्रेस पक्ष ने उम्मीदवार के तौर पर बाबू कटारा में दिखाया विश्वास, बाबू कटारा को मिली टिकट और बाबू कटारा ने भरा नामांकन। लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। दाहोद लोकसभा बैठक के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार के तौर पर जसवंत सिंह भाभोर को ही इस बार भी अपने उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा है, जो अपने पिछले प्रसारण में हमने आपको बताया था। वहीं कांग्रेस पक्ष की तरफ से कौन होगा दाहोद लोकसभा बैठक का उम्मीदवार, इस पर अंतिम समय तक सस्पेंस बना रहा। लोक चर्चा व सूत्रों की माने तो डॉक्टर प्रभा तावियाड़, बाबू भाई कटारा, भावेश कटारा व चंद्रिका बारिया के नामों की अटकलें लोगों द्वारा लगाई जा रही थी। वहीं नामांकन भरने की अंतिम तारीख यानी कि 4 अप्रैल तक कांग्रेस पक्ष द्वारा आधिकारिक तौर पर उम्मीदवार के नाम की घोषणा नहीं की गई थी। 4 अप्रैल को सवेरे सवेरे कांग्रेस पक्ष द्वारा पूर्व सांसद बाबू भाई कटारा में विश्वास दिखाते हुए उन्हें आधिकारिक तौर पर दाहोद लोकसभा सीट का उम्मीदवार घोषित किया गया, जिसके चलते तमाम चल रही अटकलों पर लगा पूर्ण विराम। बाबू कटारा ने जनसभा को संबोधित किया व भारी जीत की उम्मीद सहित कांग्रेस पक्ष के अग्रणियों तथा अपने समर्थकों के साथ दाहोद जिला कलेक्टर कचहरी में अंतिम दिन यानी कि 4 अप्रैल को भरा नामांकन। कांग्रेस पक्ष में खुशियों का माहौल देखा गया। पार्टी मेन्डेट आप्यू छे अने तमाम उम्मेदवारों जेने टिकीट मांगी थी एमां तमाम लोको साथे रहीने आजे फोन भर्युं छे अने आवनारा समयमां तमाम मुद्दाने लईने अमे प्रजा वच्चे जवाना छे। प्रजा कांग्रेसनी साथे छे अने 100% जीत थशे कांग्रेस। मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने लोकसभा चुनाव से पूर्व सुखसर में एक विशाल जनसभा को किया संबोधित और कांग्रेस पर किए जमकर प्रहार। लोकसभा चुनाव की तारीख जो नजदीक आती जा रही है त्यों राजनीतिक माहौल में सरगर्मियां भी बढ़ती जा रही हैं। तमाम पार्टियां अपने अपने प्रचार में लगी है। वहीं गुजरात के मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी
ने किया दाहोद के सुखसर का दौरा, जहां एक जनसभा को उन्होंने किया संबोधन। इस मौके पर गुजरात के राज्य मंत्री बच्चूभाई खाबड़, अमित भाई ठाकर सहित भारतीय जनता पार्टी के अग्रणी एवं भारी तादाद में कार्यकर्ता रहे उपस्थित। इस मौके पर मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कांग्रेस पर जमकर प्रहार करते हुए लोगों से अपील की कि लोग भारी मात्रा में मतदान करते हुए दाहोद के पूर्व सांसद जसवंत भाई भाभोर को भारी मतों से जीत दिलाएं। इसी कार्यक्रम के चलते दाहोद तथा महीसागर जिले के तकरीबन 200 कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी में लिया विधिवत तौर पर प्रवेश, जिन्हें खेस आदि पहनाकर मुख्यमंत्री विजय भाई रूपाणी ने दिलवाया भारतीय जनता पार्टी में प्रवेश। गुजरात की धरती, गुजरात ना लोको, वडाप्रधान नरेंद्र भाई मोदी गुजरात नो सपूत छे, इन्हें पुनः वडाप्रधान बनावा एकमात्र लक्ष्य साथे जनताए मन बनावी लीधु छे। गुजरात की 26 से 26 बैठक भारतीय जनता पार्टी जीती ने अब की बार फिर से मोदी सरकार इस सूत्र ने सार्थक कर सके। देसाईवाड़ा की एक वृद्ध महिला के साथ एक अनजान महिला ने की धोखाधड़ी। ये अनजान महिला इस वृद्ध महिला के आभूषण लेकर हुई फरार। दाहोद देसाईवाड़ा की एक 80 वर्ष की वृद्ध महिला रेणुका देसाई के साथ घटी एक विचित्र घटना। उनके घर एक अनजान महिला पहुंची और उस महिला ने 80 वर्षीय रेणुका देसाई को अमृतकाल, विधवा सहाय योजना तथा गैस सब्सिडी के लाभ हेतु विविध बातों में बरगलाया और उन्हें एक रिक्शा में बिठाकर सरकारी अस्पताल ले गई, जहां उस अनजान व्यक्ति ने वृद्धा से ये कहा कि आपके फोटो आदि खिंचवाने पड़ेंगे तथा आपके थंब इम्प्रेशन आदि लेने पड़ेंगे, तो आप अपने आभूषण आदि निकालकर थैली में डाल दो। वृद्ध महिला उसकी बातों में आ गई और उसने तमाम आभूषण निकाल के थैली में रख दिए और वो अनजान महिला थैली में रखे तमाम आभूषण लेकर हुई फरार। काफ़ी देर तक अनजान महिला नहीं लौटी, तब वृद्धा को एहसास हुआ कि उसके साथ हुई है धोखाधड़ी। इस संबंध में पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और पुलिस ने आगे की कार्यवाही ली हाथ में। सुसु ले गया तुम्हारे पर? मारे पाई थी, मारा हाकरा ले गई ने मारो पॉकेट में 400 रुपया था, एने पेन हती, मार फोटो हतो। मैं ऐ छे ने मने के चलो डॉक्टर पाए, तमे विधवा छो तो तमे आप हाकरा सोना ना पीरसो, तमारे पैसा नहीं मले तो तमे हाकरा उतारी पछी मैं थैली में मिले ना देखता ने पछी मने के चलो आपणे कहीं जाइए, खबर ज ना पड़ी भाई। तो पछी हूँ 1:30 वागे पछी मने सरयूनो छोकरो मन लेवा आव्यो, एम के चलो तमे मारी सरयू कार नी घेर आवी गई। मैं केम घेरे, काम तो थयुं नथी, ताके तमे लूटाई गया एम के चलो तमे। दीपड़े अर्थात तेंदुए ने एक बार फिर से दाहोद जिले में मचाया आतंक। एक ही दिन में 7 लोगों पर किया हमला और किया जख्मी, जिसके चलते लोगों में है दहशत का माहौल। प्राप्त जानकारी के अनुसार दाहोद जिले के गरवाड़ा तालुका में एक बार फिर से दीपड़े ने अर्थात तेंदुए ने मचाया है आतंक। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार एक व्यक्ति खेत की पगडंडी पर जा रहा था कि पीछे से दीपड़े ने उस पर किया हमला और उसको लहूलुहान कर दिया। लोगों के वहां पहुंचने पर लोगों ने शोरगुल मचाया, जिसके चलते वहां से दीपड़ा भाग गया और नज़दीक ही एक मकान के बाहर एक छोटा बच्चा खेल रहा था, उस पर भी दीपड़े ने किया हमला और उस बच्चे को भी उसने जख्मी किया। उसके पश्चात दीपड़ा वहां से भागकर नज़दीक के एक कोतर में जा छिपा। इस बीच वन विभाग के कर्मियों को तथा अधिकारियों को सूचना दी गई। वन विभाग के अधिकारी व कर्मी घटनास्थल पर पहुंचे व लोगों को इस कोतर से दूर रहते हुए
सावधान रहने की सलाह दी गई। दोपहर बाद प्राप्त जानकारी के अनुसार दीपड़े ने फिर से 5 लोगों पर हमला किया और उन्हें भी किया लहूलुहान, जिसके चलते 108 बुलाई गई और तत्काल इलाज के लिए तमाम लोगों को दाहोद के जाइडस हॉस्पिटल रवाना करवाया गया। इस बात की जानकारी वन विभाग को मिलते ही वन विभाग के तमाम अधिकारी और कर्मचारी हरकत में आए हैं और आगे की कार्यवाही वन विभाग द्वारा ली गई हाथ में। અત્યારે એમને દાહોદ ખાતે ખસેડવામાં આવેલ છે સિવિલ હોસ્પિટલમાં, એ સારવાર હેઠળ છે અને અત્યારે અહીંયા સ્થળ પર ગામ લોકોના કહેવા મુજબ કોતરમાં દીપડો ભરાયેલ છે, જે શોધખોળ ચાલુ છે અને ગામ લોકોને અહીંયાથી દૂર ખસેડેલ છે। ઇસ દીપડે કે આતંક સે વિસ્તાર કે તમામ લોકોમાં ડર ઓર ભય કા વાતાવરણ દેખા ગયા, લોક ડરે હુએ હૈ, ભયભીત હૈ, જિસકે ચલતે લોકો કે રોજમર્રા કે કામ પર ભી અસર देखी जा रही है। हवे शू परिस्थिति छे? हालनी परिस्थिति एवी छे के गाम लोकोनो एम केवू छे, जे लोकोए बधाए जोयो छे के कोतरनी अंदर घुसी गयो छे, तो हाल जे फोरेस्ट खातानी जे टीम आवेली छे अने एमने तपास के शोधखोळ करी रह्या छे अने गाम लोकोने अन्य जग्या पर खसेड़ देवामां आव्या छे। दाहोद में एक ही दिन 3 अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग कारणों से लगी आग, कोई जानहानि नहीं। दाहोद के भीड़ भाड़ वाले व अति व्यस्त विस्तार में स्थित दाहोद की श्री कृष्ण स्वीट मार्ट की दुकान में अचानक किन्हीं कारणों से गैस के सिलेंडर में लगी आग, जिसके चलते अफरा तफरी का माहौल देखा गया, लोगों में भगदड़ मच गई, किंतु स्थानिक लोगों के प्रयास के चलते ही तत्काल इस सिलेंडर में लगी आग पर पाया गया काबू, कोई जानहानि नहीं हुई। वहीं दूसरी तरफ दाहोद के लक्ष्मी इन इमारत की चौथी मंजिल से अचानक निकलते धुएं को देखकर भी लोगों में भगदड़ सी मच गई। तत्काल फायर ब्रिगेड को इस संबंध में सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर फायर के जवानों द्वारा पाया गया काबू, इस घटना में भी कोई जानहानि नहीं हुई। तो वहीं दाहोद के यश मार्केट स्थित एक रुई की दुकान में भी अचानक किन्हीं कारणों से लगी आग, आग के चलते यहां भी अफरा तफरी का माहौल देखा गया। तत्काल फायर ब्रिगेड के जवानों को सूचित किया गया, फायर के जवान घटनास्थल पर पहुंचे और आग पर पाया काबू। कुल मिलाकर एक ही दिन दाहोद के 3 अलग अलग विस्तारों में लगी आग, किंतु तमाम घटना में कोई जानहानि नहीं हुई। चेटीचंड पर्व के चलते सिंधी समाज के द्वारा इस पर्व को उत्सव के रूप में मनाया गया। दिन भर हुए विविध धार्मिक कार्यक्रम तो शाम को निकाली एक विशाल शोभा यात्रा। चेटीचंड पर्व के चलते सिंधी समाज के लोगों ने इस पर्व को उत्सव के तौर पर मनाया, जिसके भाग रूप गोदी रोड की झूलेलाल सोसाइटी में दिन भर धार्मिक कार्यक्रम चलते रहे। साथ ही भंडारे का आयोजन हुआ और शाम के वक्त निकाली गई एक विशाल शोभा यात्रा। यह शोभा यात्रा गोदी रोड से निकलकर दाहोद के स्टेशन रोड पहुंची और फिर वहां से ये शोभा यात्रा पहुंची सिंधी समाज। शोभा यात्रा जब स्टेशन रोड पहुंची तो वहां जो स्थानिक सिंधी समाज के लोग हैं उन्होंने इस शोभा यात्रा का भव्य स्वागत आदि किया और उसके बाद ये शोभा यात्रा पहुंची दाहोद के सिंधी सोसाइटी। सिंधी सोसाइटी से होकर ये शोभा यात्रा पहुंची नगरपालिका, जहां भारी तादाद में सिंधी समाज के लोगों ने डीजे की धुन पर नाच गान करते हुए इस पर्व को मनाया। Yeah.
समाज की महिलाओं के लिए विशेष तौर पर योग व ध्यान शिविर का हुआ आयोजन। दो दिवसीय इस शिविर का महिलाओं ने जमकर उठाया लाभ। दाहोद लायंस क्लब द्वारा अभी हाल ही में श्री लालसाई महिला मंडल तथा अन्य सिंधी समाज की महिलाओं के लिए दो दिवसीय योग व ध्यान शिविर का आयोजन सिंधी समाज की जमनवाड़ी में किया गया। सुमित त्रिपाठी द्वारा इस ध्यान शिविर और योग शिविर के चलते तकरीबन 70 उपरांत सिंधी समाज की महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया व आजकल के तनाव भरे जीवन में किस तरह मानसिक शांति मिले, खुशखुशाल रहा जाए, इस हेतु सुमित त्रिपाठी द्वारा बताए गए मेडिटेशन कार्यक्रम का महिलाओं ने उठाया लाभ। एक्सटेसी मेडिटेशन से सुमित त्रिपाठी जी आए थे यहाँ पर, हम लोग को है ना बहुत मज़ा आया उनके साथ मेडिटेशन करने के लिए। जगीशी भैया ने उनको बुलाया था यहाँ पर, हमें बहुत ही अच्छा लगा यहाँ पर। दो दिन का ये जो कैंप था इतना इंजॉय किया हम लोगों को, पता चला कि सेल्फ खुशी की क्या होती है, कि मेडिटेशन से हमारे अंदर जो फीलिंग्स आती हैं उन्हें हम कैसे बाहर निकाल सकते हैं। एंड उन्होंने जो सबसे बड़ी बात बोली थी कि हमारे फिजिकली एंड मेंटली को हम कैसे क्योर कर सकते हैं, ये सब मेडिटेशन के थ्रू होता है। तो मैं कहती हूँ मेडिटेशन इज वन ऑफ द बेस्ट थिंग। दाहोद में पतंजलि परिवार द्वारा विश्व महिला दिवस को विशेष तौर पर मनाया गया। दाहोद जिला महिला पतंजलि योग समिति परिवार द्वारा अभी हाल ही में राष्ट्रीय महिला दिवस को विशेष ढंग से मनाया गया। दाहोद के गोविंद नगर चौक में नवरात्रि के प्रथम दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के चलते नियमित योगाभ्यास करती महिलाओं का सम्मान किया गया, साथ ही विशिष्ट संगठन की अग्रणी महिलाओं को पतंजलि परिवार द्वारा भी किया गया सम्मानित। लिंखेड़ा हाईवे पर एक कंटेनर पलटी खाया जिसके चलते ड्राइवर हुआ गंभीर रूप से घायल। प्राप्त जानकारी अनुसार लीमखेड़ा हाईवे पर पत्रों की शीट से भरा हुआ एक कंटेनर अचानक किन्हीं कारणों से पलटी खा गया जिसके चलते ड्राइवर को गंभीर रूप से आई चोटें। तत्काल 108 से संपर्क साधा गया और ड्राइवर को इलाज हेतु दाहोद के लिए करवाया गया रवाना। और हम चलते चलते दोस्तों चलते चलते हम आपसे सिर्फ और सिर्फ एक ही बात कहेंगे, दोस्तों लोकसभा चुनाव आने को है, मताधिकार हम सब का अधिकार है, इसका सही तरीके से हमें इस्तेमाल करना चाहिए, इसका दुरुपयोग कतई नहीं करना चाहिए। किसी लोभ लालच के तहत अपने मताधिकार का उपयोग कभी न करें और मत जरूर दें, योग्य और पसंदीदा उम्मीदवार को चुनकर ही अपने मताधिकार का सही उपयोग करें। तो आज के लिए इतना ही, अगले प्रसारण पर नई नई जानकारियों के साथ दोबारा आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए डॉक्टर चौधरी को दीजिए इजाजत, नमस्कार।